हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल A3 एकेडमी में मैं आनंद कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आज हम आपके सामने रीजनिंग पढ़ाने के लिए उपस्थित हुए हैं, दोस्तों हम रीजनिंग में MCQ देख रहे थे। जी हां दोस्तों, रीजनिंग में हम प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, साथ में जिन क्वेश्चनों के आगे आने की संभावना है उन क्वेश्चनों को भी हम सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं आपके सामने सिलेबलिज्म के आए हुए प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, सेलुलिज्म जिस आपने पढ़ा यानी कि न्याय निगमन, आप मेरे द्वारा वह चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा दिया गया है। अगर आपने उसको अच्छे से पढ़ा है तो यहाँ से आप पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हो। तो दोस्तों, सेलुलिज्म पढ़ने से पहले आपको एक बात बता दूँ, इसमें कथन एक दिया होता है और दूसरा दिया होता है निष्कर्ष, दो भाग होते हैं इन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। अब देखिए, कथन जो होता है दोस्तों और निष्कर्ष, मतलब कि जब कोई बात किसी के द्वारा कह दी गई होती है फिर उससे हमको कंक्लूजन निकालना होता है, निष्कर्ष निकालना होता है स्टेटमेंट से। तो अब ये बताइए दोस्तों, जैसे बोल दिया गया कि आज धूप नहीं है, धूप नहीं है, तो ये एक कथन हो गया। मान लीजिए कथन में दे दिया धूप नहीं है, तो आप निष्कर्ष क्या निकालोगे इस पर? आप इस पर निष्कर्ष निकालोगे, हो सकता है बादल हो सकता है दिन डूब गया हो सकता है दिन अभी ना निकला हो, या हो सकता है रात हो। इतने ही निष्कर्ष निकालोगे ना, तो एक कथन से आप कितने तरीके के निष्कर्ष निकाल सकते हो ये चैप्टर में हम कथन निष्कर्ष में पढ़ते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो देखिए, क्वेश्चंस में दोस्तों आपके सामने पांच ऑप्शन दिए होंगे हर प्रश्न में, जिसमें से आपको अगर निष्कर्ष एक निकलेगा तो आपको बताना पड़ेगा केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। यदि निष्कर्ष दो निकलेगा तो आप बताओगे केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। यदि या तो निष्कर्ष एक निकले या तो दो निकले तो आपको बताना होगा ऑप्शन नंबर तीन, और चौथे ऑप्शन में बताना होगा ना तो निष्कर्ष एक अनुसरण करे और ना ही निष्कर्ष दो। और जो पांचवा ऑप्शन में आपको आंसर बताना पड़ेगा यदि एक और दो अनुसरण करते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न उठाते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए आपके सामने शो हो रहा होगा, प्रश्न नंबर फर्स्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए क्या दिया है दोस्तों। सभी जंगल नदी हैं, कुछ नदियां वृक्ष हैं, कुछ जंग कथन हो गया, कथन में दिया है सभी जंगल नदी हैं, कुछ नदियां वृक्ष हैं। निष्कर्ष दिया है कुछ जंगल नदियां हैं, कुछ वृक्ष जंगल हैं। अब आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। यदि निष्कर्ष एक निकलता है दोस्तों तो आपको बताना होगा ऑप्शन एक, निष्कर्ष दो निकलता है तो बताना है ऑप्शन दो, यदि या तो एक निकलता है या तो दो निकलता है तो आपको बताना है ऑप्शन तीन, यदि ना तो एक निष्कर्ष निकल रहा है ना तो दो निकल रहा है तो आपको बताना है ऑप्शन चार, और यदि दोनों निकल रहे हैं तो बताना है ऑप्शन पांच। क्लियर है? तो चलिए जल्दी से कमेंट करिए प्रश्न नंबर पहले का आंसर क्या होने वाला है। अगर आपने सही ढंग से हमारी क्लास ली है तो आप जल्दी से इसको सॉल्व करने वाले हो, इतना ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है, बहुत अच्छे तरीके से आप सॉल्व करने वाले हो। तो चलिए, इतना टाइम नहीं लगने वाला है दोस्तों, इसमें कुछ नहीं है। देखिए सबसे पहले प्रश्न क्या बोलता है, सभी जंगल नदी हैं। तो देखिए सभी जंगल नदी हैं, तो आप बनाइए दोस्तों डायग्राम जैसे मेरे द्वारा बताया गया है। आप बताइए सभी जंगल, जंगल को आप जे लिख लीजिए, सभी जंगल क्या हैं? नदी हैं। सभी जंगल क्या हैं? रिवर हैं। आगे देखिए, कुछ नदियां वृक्ष हैं, कुछ रिवर क्या हैं? वृक्ष यानी कि आप बोलोगे ट्री हैं। ये आपका डायग्राम बन गया। अब देखिए, जब मैंने सिलोलिज्म पढ़ाया था वहां पे मैंने बताया था कि इन सारे क्वेश्चंस को अगर देखिए, यहाँ पे पहला डायग्राम तो बन गया, कुछ जंगल नदियां हैं, कुछ नदियां क्या हैं? वृक्ष हैं। तो इनको हम आपस में भी किसी भी तरह पॉजिटिव सेंटेंस को आपस में मिला सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आई बटन पे मैं लिंक दे दूंगा, तो वहां से जाकर के इस चैप्टर को आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा, सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि जो आपका गलत होने वाला है। और न्याय निगमन यानी कि सिलोलिज्म दोस्तों ऐसा चैप्टर है जिसमें से हर एग्जाम में कम से कम तीन प्रश्न आते हैं, कम से कम तीन प्रश्न, मैक्सिमम पाँच से छः प्रश्न आते हैं लेकिन कम से कम तीन प्रश्न जरूर आते हैं। तो देखिए, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे दो डायग्राम दो निष्कर्ष दिए हैं, अब आपको इसको चेक करना है। तो सबसे पहले देखिए, कुछ जंगल नदियाँ हैं, कुछ जंगल नदियाँ हैं। दोस्तों देखिए,
अगर जो सेंटेंस कथन में दिया हो और सेम उसी तरह निष्कर्ष में दे दिया हो तो वह निष्कर्ष पूरी तरह से गलत होता है, ठीक है ना, पूरी तरह से गलत होता है, ठीक है ना। अब देखिए पहला निष्कर्ष दिया कुछ जंगल नदियां हैं, लेकिन आप देखिए कथन में शुरू में दिया है सभी जंगल नदी हैं। भाई जब कथन में दे दिया सभी जंगल नदी हैं लेकिन निष्कर्ष में दिया है कुछ जंगल नदी हैं, ये तो गलत हो गया ना, क्योंकि पहले कथन में तो पहले ही बता दिया है जब सभी जंगल नदी हैं तो कुछ तो होंगे ही ना, तो निष्कर्ष में देख कुछ जंगल नदी हैं तो ये हो जाएगा गलत। गलत क्यों हो जाएगा, देखिए क्योंकि कथन में डायरेक्टली बोल दिया है कि सभी जंगल नदी हैं, सभी पहले ही जब कथन में बता दिया सभी जंगल नदी हैं तो ये बताइए, जब पहले बता दिया सभी जंगल नदी हैं कथन में दे दिया तो ऐसा कोई औचित्य बनता है निष्कर्ष के कि कुछ जंगल नदियां हैं, ये तो कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा, इसलिए यह गलत हो गया। दूसरा देखिए कुछ वृक्ष जंगल हैं, कुछ वृक्ष जंगल है, तो देखिए वृक्ष यहाँ पे ट्री को हमने लिखा था और ये जंगल, क्या ये आपस में मिल रहे हैं, तो आप बोलोगे सर इसमें नहीं मिल रहे हैं, लेकिन अगर हम जंगल का ये डायग्राम, रिवर का ये डायग्राम बनाते हैं और वृक्ष यहाँ पर भी तो हम बना सकते हैं, तो ये वृक्ष, लेकिन इसमें तो मिल रहा है, तो मैंने क्या बोला कि दोनों डायग्राम में अगर सही होगा तभी वह सही होगा, इसलिए देखिए यहाँ पे क्या है, इसके अकॉर्डिंग तो गलत है लेकिन इसके अकॉर्डिंग सही है, लेकिन दो में से एक में भी गलत, तो कथन गलत होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 होने वाला है, ऑप्शन नंबर 4, मतलब कि ना तो निष्कर्ष एक निकल रहा है ना ही निष्कर्ष दो निकल रहा है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सर प्रश्न नंबर 2 लगा दीजिए। देखिए प्रश्न नंबर 2, कथन दिया है सभी तीर पंख हैं, कुछ पंख खिलौने हैं, कुछ खिलौने बंदूक हैं। निष्कर्ष दिया है पहला कुछ तीर बंदूकें हैं, दूसरा कुछ खिलौने तीर हैं। जल्दी से आंसर करिए, जल्दी से आंसर करिए। और दोस्तों यह चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है दोस्तों। यहाँ से 2 से 3 नंबर तो कम से कम मान के चलिए आते हैं, तो आप 2 या 3 नंबर से कंपटीशन में पीछे रह जाते हो, तो इस तरह से जो चैप्टर से ज़्यादा नंबर्स आते हैं उनको आप कवर करिए। अगर आपको यह क्वेश्चन पढ़ने में कुछ समस्या आ रही है तो आप हमारे सिलेबलिज्म वाला जो चैप्टर मेरे द्वारा पढ़ाया गया प्लेलिस्ट में जा करके न्याय निगमन उसको जरूर देखिएगा, पूरे कॉन्सेप्ट A to Z 5 पार्टों में मेरे द्वारा वहाँ पे पढ़ाया गया है, तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा, क्योंकि दोस्तों यह हम यहाँ पे आपको प्रीवियस पेपर सेट करवा रहे हैं तो यहाँ पर इतना डिटेल में नहीं जा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए सभी तीर पंख हैं, हमको सॉल्व क्या करना है, जैसे डायग्राम बोलेगा उसी तरह, पहला डायग्राम जैसे कथन में बोलेगा उसी तरह बनाना है, सभी तीर पंख हैं। तो देखिए अब जरूरी नहीं कि आपको अंग्रेजी आती हो, भाई हिंदी में भी लिख सकते हो, देखिए सभी तीर पंख हैं, तो लिखिए तीर को आप टी लिख लीजिए, सभी तीर क्या है पंख हैं, तो पंख को आप लिख लीजिए पी, सभी तीर पंख हैं पहला कथन। दूसरा कुछ पंख खिलौने हैं, कुछ पंख को आप लिख दीजिए खिलौने, खिलौने का KH लिख दीजिए, टॉयज नहीं लिखें क्योंकि यहाँ पे बिट्टी हो जाएगा, खिलौने हैं। अब देखिए कुछ खिलौने बंदूक हैं, अब कुछ खिलौने क्या हैं बंदूक को आप BB लिख दीजिए ऐसे, ठीक है। अब देखिए सभी तीर पंख हैं, कुछ पंख खिलौने हैं और कुछ खिलौने बंदूक हैं, पहला डायग्राम बन जाएगा। अब देखिए दोस्तों तीनों कथन पॉजिटिव हैं, जब तीनों कथन पॉजिटिव है तो आप बंदूक को पूरा का पूरा यहाँ से भी मिला सकते हो वैसे, ठीक है ना, बंदूक को यहाँ पे भी बना सकते हो, मतलब पॉजिटिव सेंटेंस को आपस में किसी भी तरह से मिला सकते हो, ये अपने दिमाग में बैठा लेना है आपको, अपने दिमाग में यह बात बैठा लेना, पॉजिटिव सेंटेंस मतलब बंदूक इसके सब में आ सकता है, खिलौना भी इसके सब में आ सकता है, और अगले डायग्राम की अगर बात करें तो तीनों चारों की बाउंड्री सेम भी हो सकती है, मतलब ये एक बाउंड्री बना दीजिए, यहीं पे टॉयज रख दीजिए, यहीं पे पंख रख दीजिए, यहीं पे खिलौने रख दीजिए और यहीं पर बंदूक रख दीजिए। ये दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से मेरे द्वारा पढ़ाया गया, तो इस तरह आपस में भी मिक्स हो सकते हैं। अब देखिए निष्कर्ष में चलते हैं, तो देखिए निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2, पहला निष्कर्ष पढ़िए कुछ तीर बंदूकें हैं, कुछ तीर बंदूकें, देखिए
तीर ये हो गया, बंदूक ये हो गया। क्या तीर और बंदूक का आपस में कुछ संबंध है? बिल्कुल नहीं है। मैंने क्या बोला, अगर एक डायग्राम में गलत तो दोनों में गलत। तो देखिए यहाँ पे दूसरे चेक करने की आवश्यकता नहीं, मतलब निष्कर्ष गलत। देखिए तीर बंदूक कहीं आपस में नहीं मिल रहे हैं। दूसरा देखिए, कुछ खिलौने तीर हैं, कुछ खिलौने तीर हैं। देखिए क्या खिलौने तीर आपस में मिल रहे हैं? बिल्कुल नहीं मिल रहे हैं, इसलिए यह भी गलत। दूसरा चेक करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए यह भी गलत। मतलब आप क्या बोलोगे, दोनों गलत। और दोनों गलत का ऑप्शन क्या था, जब ना तो एक हो और ना तो दो, उसका ऑप्शन था चार। मतलब प्रश्न नंबर दो का भी आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर चार। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर तीन, प्रश्न नंबर तीन लास्ट में आपको जरूर बताना है कितने आपसे बन रहे हैं। देखिए कथन है, सभी अंगूर सेब हैं, सभी सेब केले हैं, सभी केले तरबूज हैं। निष्कर्ष क्या दिया है, पहला कुछ केले अंगूर हैं, दूसरा दिया है सभी तरबूज सेब हैं। जैसे जैसे कथन में बोले हमको वैसे डायग्राम बनाते चलना है, फिर निष्कर्ष को मिला लेना है। मुश्किल से 8 से 10 सेकंड लगने वाले हैं, बहुत ज़्यादा अगर आप टाइम लेने वाले हो तो, जितना क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लगेगा। क्वेश्चन को आपको क्या करना है, कथन को बनाते चलना है डायग्राम। बहुत लोग क्या करते हैं, पहले पूरे प्रश्न को पढ़ लेते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर उसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये नहीं करना। आपको पहली लाइन पढ़ना है, पहला डायग्राम बनाते चलना है, पढ़ते के साथ ही आपको सॉल्व करते चलना है क्वेश्चंस को, ठीक है? चलिए तो जल्दी से कमेंट करिए प्रश्न नंबर तीन। देखिए इतना टाइम नहीं लगने वाला है, 30 से 35 सेकेंड में हर प्रश्न में आपको दे देता हूँ। चलिए, सभी अंगूर सेब हैं, तो मान लीजिए सभी अंगूर ग्रेप्स, सभी ग्रेप्स क्या हैं, आप बोलोगे सेब यानी कि एप्पल हैं। आगे देखिए, सभी सेब केले हैं, सभी एप्पल्स क्या हैं, आप बोलोगे सभी एप्पल्स बनाना है। आगे देखिए, सभी केले तरबूज हैं, अब केले सभी क्या हो जाएंगे, तरबूज, तरबूज को आप लिख दीजिए टी, ठीक है? ये आपका डायग्राम बन चुका है। अब देखिए निष्कर्ष मिलाइए, निष्कर्ष एक और निष्कर्ष दो। पहला निष्कर्ष, कुछ केले अंगूर हैं। तो दोस्तों आपको एक बात बता दूं, चाहे अंदर से बाहर की ओर जाइए, चाहे बाहर से अंदर की ओर आइए, अगर कुछ वाली कंडीशन है तो दोनों में वह लागू होगी। कुछ वाली कंडीशन है, चाहे अंदर से बाहर की ओर जाए, चाहे बाहर से अंदर की ओर जाए, कुछ वाली कंडीशन दोनों में लागू होगी। लेकिन सभी वाली कंडीशन कहाँ लागू होगी, अब देखिए सभी वाली कंडीशन कब लागू होगी, जब केवल अंदर से बाहर की ओर जाओगे, जब अंदर से बाहर की ओर जाओगे तब सभी वाली लागू होगी। मतलब कि अगर यहाँ पे बोल देता दोस्तों सभी अंगूर तरबूज हैं, तब लागू हो जाती, क्योंकि देखिए अंदर से बाहर की ओर जा रहे हैं, या सभी अंगूर सेब हैं तो लागू हो जाता। लेकिन अगर बाहर से अंदर की ओर आता, अगर दे देता सभी तरबूज अंगूर हैं, तो यह लागू नहीं होता। लेकिन कुछ वाली कंडीशन, चाहे अंदर से बाहर जाओ चाहे बाहर से अंदर आओ, दोनों में लागू होती है। तब देखिए कुछ वाली कंडीशन लागू हो रही है, कुछ केले अंगूर हैं, चाहे अब तो कुछ में चेक करना ही नहीं, क्योंकि कुछ दोनों कंडीशन में लागू हो रही है, मतलब यह सही है, पहला कथन सही। दूसरा, सभी तरबूज सेब हैं, अब देखिए सभी तरबूज सेब हैं कैसा जा रहा है दोस्तों, देखिए सभी तरबूज सेब यानी एप्पल हैं, तो कहाँ से जा रहा है, बाहर से अंदर की ओर। और मैंने क्या बोला था, सभी का कॉन्सेप्ट केवल कब लगता है, आप बोलोगे अंदर से बाहर की ओर, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए बाहर से अंदर की ओर जा रहा है, मतलब यह गलत। तो आप बोलोगे कथन एक, मतलब कि ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर एक, केवल निष्कर्ष एक निकलता है, ठीक है ना? प्रश्न नंबर तीन का होगा, केवल निष्कर्ष एक निकलता है। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर चार। तो प्रश्न नंबर चार देखिए दोस्तों, कथन दिया हुआ है, सभी धातु पत्थर हैं, कुछ पत्थर पहाड़ियां हैं, सभी पहाड़ियां नदियां हैं। निष्कर्ष दिया है, कुछ नदियां पत्थर हैं, कुछ नदियां धातु हैं। आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करना है, जल्दी से कमेंट करिए इसको, जल्दी से कमेंट करिए प्रश्न नंबर चार का सही आंसर क्या होने वाला है, प्रश्न नंबर चार का सही आंसर क्या होने वाला है। सभी धातु पत्थर हैं, कुछ पत्थर पहाड़ियां हैं, सभी पहाड़ियां नदियां हैं। निष्कर्ष दिया है, कुछ नदियां पत्थर हैं, दूसरा दिया है कुछ नदियां धातुएं हैं। तो जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से, इतना टाइम नहीं लगने वाला है।
प्रश्न नंबर कौन सा है? प्रश्न नंबर 4 है। चलिए जल्दी से बताइए। देखिए मिलाते चलिएगा आप। सभी धातु पत्थर हैं, मतलब लिखिए सभी मेटल्स, मेटल्स होती हैं धातु, सभी धातु क्या हैं? आप बोलोगे पत्थर हैं, पत्थर यानी कि स्टोन हैं। आगे देखिए, कुछ पत्थर पहाड़ियां हैं, मतलब कि आप बोलोगे सर कुछ स्टोन्स क्या हैं? हिल्स यानी कि पहाड़ियां हैं। आगे देखिए, सभी पहाड़ियां नदियां हैं, मतलब सभी हिल्स क्या हैं? आप बोलोगे सर सभी हिल्स क्या हैं? रिवर हैं, सभी हिल्स रिवर हैं। जैसे कथन में बोला उसी तरह हम बना दिए। अब देखिए रिवर पूरे को भी कवर कर सकती है, तो पॉजिटिव सेंटेंस आपस में किसी भी तरह से मिल सकते हैं, ये दिमाग में बैठा लीजिए। अब देखते हैं निष्कर्ष एक और निष्कर्ष दो मिलाते हैं। पहला निष्कर्ष देखिए, कुछ नदियां पत्थर हैं, कुछ नदियां पत्थर हैं। बिल्कुल देखिए नदियां पत्थर को टच कर रहा है, बिल्कुल टच कर रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है। अगर आपस में भी तीनों सभी को मिला दोगे फिर भी टच करेगा, फिर भी टच करेगा, क्योंकि देखिए कुछ वाली कंडीशन दोनों में लागू होती हैं। दूसरा डायग्राम में अगर पत्थर को अंदर भी कर दोगे तो पूरे सभी को मिला दोगे, मतलब कि मेटल्स, स्टोन, हिल्स और रिवर सभी का एक बाउंड्री भी कर दोगे तभी भी एक कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, ठीक है ना। अब देखिए, तो मतलब कुछ नदियां पत्थर हैं, ये कंडीशन बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, कुछ नदियां धातु हैं। देखिए अब यहाँ पे कुछ नदियां धातु हैं, क्या इस डायग्राम में नदियां धातुओं को यानी कि मेटल्स की बाउंड्री को टच कर रही हैं? बिल्कुल नहीं कर रही हैं। लेकिन दूसरा, जब तीनों की बाउंड्री सेम कर देंगे तो वहां पे टच करेगी। लेकिन मैंने क्या बोला था, दोनों डायग्राम में सही होना चाहिए। तो जब पहले ही डायग्राम में गलत हो गया, नदी मेटल को टच नहीं कर रही है, मतलब नदी रिवर को धातुओं को टच नहीं कर रही, नदी धातुओं को टच नहीं कर रही है, तो यह कंडीशन क्या हो गई? गलत। मतलब कि केवल निष्कर्ष एक निकलता है। तो चौथे का आंसर क्या होगा? चौथे का आप बोलोगे केवल निष्कर्ष एक निकलता है, केवल निष्कर्ष एक निकलता है। चौथे में क्या होगा? केवल निष्कर्ष एक निकलता है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 सर लगा दीजिए। प्रश्न नंबर 5, अब देखते चलिएगा आप गलती कहाँ पे कर रहे हो। अगर गलती हो रही है तो आप अभी भी जग जाइए और जल्दी से जा करके हमारे सेलुलिज्म वाले चैप्टर को देखिए, क्योंकि पुलिस में यहाँ से 4 से 5 प्रश्न डेली जो पेपर्स होते हैं ऑनलाइन, डेली में यह क्वेश्चंस आते हैं। व्यापम यानी PB का बहुत ही प्रिय चैप्टर है ये वाला न्याय निगमन, इसलिए आपको बहुत अच्छे तरीके से कवर करना है। एक बार लगाइए, दो बार, तीन बार, चार बार, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, अगर आपने हमारी प्लेलिस्ट में जा करके इसको देख लिए पूरे चैप्टर्स, तो आपको इस सब्जेक्ट के इस वाले पार्ट में कोई भी डाउट जिंदगी में नहीं होने वाला, चाहे वो कंडीशन कोई भी हो, चाहे संभावना वाली हो या आइदर और की हो या नाइदर नॉर की हो, कोई भी कंडीशन हो आपसे गलत नहीं होने वाला। लेकिन आप पढ़ोगे तब ना डायरेक्टली। यहाँ पे समझ में नहीं आ रही होंगी चीज़ें, बोरिंग लग रहा होगा, क्योंकि अगर आपने हमारी उस क्लास को नहीं पढ़ा तो वाकई में समझ में नहीं आएगा। लेकिन जिन्होंने हमारी वो क्लास पढ़ी है वो 100% मेरे को यकीन है कि आपको समझ में चीज़ें आ रही हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 5, कुछ पेंसिलें सिक्के हैं, कथन दिया है, कुछ पेंसिलें सिक्के हैं, सभी सिक्के स्याही हैं, सभी सिक्के स्याही हैं। तो आपको क्या बताना है निष्कर्ष? कुछ स्याही पेंसिलें हैं, सभी स्याही सिक्के हैं। जल्दी से कमेंट करिए प्रश्न नंबर 5 का आंसर क्या होने वाला है। जल्दी से कमेंट करिए प्रश्न नंबर 5 का आंसर क्या होने वाला है। प्रश्न नंबर 5 का आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से कमेंट करिए। चलिए, तो जितना डायग्राम बनाने में टाइम लगता है बस उतने में ही देखिए, कुछ पेंसिलें सिक्के हैं, तो डायरेक्टली बनाइए कुछ पेंसिलें क्या हैं? सिक्के हैं को लिख दो कॉइन्स हैं। कुछ पेंसिलें क्या हैं? सिक्के हैं। सभी सिक्के स्याही हैं। अब देखिए, सभी जो कॉइन हैं वो क्या हैं? आप बोलोगे सभी सिक्के क्या हैं? स्याही यानी कि इंक हैं। क्या हैं? इंक हैं। अब ये कथन आपका पूरा हो गया। अब देखिए निष्कर्ष, निष्कर्ष एक, निष्कर्ष दो, अब मिलाइए। कुछ स्याही पेंसिलें हैं, तो देखिए कुछ स्याही पेंसिलें हैं, बिल्कुल इस कंडीशन को मैंने क्या बोला, कुछ वाली कंडीशन दोनों में लागू होती है। देखिए पेंसिल को इंक वाला गोला बिल्कुल टच कर रहा है, ये टच कर रहा है, तो ये कंडीशन हो गई सही। क्लियर है? दूसरा देखिए, सभी स्याही सिक्के हैं। अब आप देखिए सभी स्याही सिक्के, मैंने क्या बोला, यह
बाहर से अंदर की ओर जा रहा है, तो सभी की कंडीशन जब बाहर से अंदर की ओर जाएगी तो हमेशा गलत होगी। खुद देखिए ना, सभी स्याही सिक्के कहाँ हैं? बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर बोलता सभी सिक्के स्याही हैं, तब कंडीशन सभी सिक्के से आई है, तब अंदर से बाहर की ओर जाता, तब सभी वाली कंडीशन सही होती। लेकिन यहां पे बाहर से अंदर की ओर जा रहा, मतलब सभी इंक सिक्के हैं, बोल रहा सभी इंक सिक्के हैं, जो कि गलत है, इसलिए दूसरा वाला हो जाता है गलत। इसका आंसर क्या होगा? आप बोलोगे ऑप्शन नंबर एक, मतलब केवल निष्कर्ष एक अनुसरण कर रहा है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर छह। सर लगा दीजिए प्रश्न नंबर छह। तो देखिए प्रश्न नंबर छह, कथन दिया है, कुछ मिठाइयां नमक हैं, कोई नमक मसाला नहीं है। कुछ मिठाइयां नमक हैं, कोई नमक मसाला नहीं है। निष्कर्ष दिया, कुछ मिठाइयां मसाले हैं, कोई मसाला नमक नहीं है। जल्दी से कमेंट करिए प्रश्न नंबर छह का आंसर क्या होने वाला है। कथन है कुछ मिठाइयां नमक हैं, दूसरा है कोई नमक मसाला नहीं है। आगे देखिए निष्कर्ष, कुछ मिठाइयां मसाले हैं, कोई मसाला नमक नहीं है। जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा प्रश्न नंबर छः का। दोस्तों यकीन मानिए, अगर आपको यह क्वेश्चन समझ में नहीं आते तो प्लीज़ हमारी प्लेलिस्ट को जाकर के विजिट करिए और इस चैप्टर को आप पढ़ लीजिए, क्योंकि एक एक नंबर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए प्रश्न नंबर छः को देखते हैं, कुछ मिठाइयाँ नमक हैं। तो आप देखिए मिठाइयाँ, तो आप बोलोगे मिठाइयाँ मतलब कि आप लिख लीजिए स्वीट, एस डब्ल्यू लिख लीजिए। आगे देखिए कुछ मिठाइयाँ, अब नमक, नमक को सॉल्ट को ऐसे नहीं लिख सकते, तो नमक को आप लिख लो एन, ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए, चाहे हिंदी लिखो चाहे अंग्रेजी लिखो चाहे पूरा नाम भी लिख सकते हो। तो कुछ स्वीट्स क्या है? नमक है, मतलब कुछ मिठाइयाँ क्या हैं? नमक हैं। आगे देखिए कोई नमक मसाला नहीं है, मतलब कि कोई भी नमक मसाला नहीं है, तो मसाला यहाँ पे आ जाएगा। मसाला को आप चाहे एम लिख लीजिए, अगर उसकी इंग्लिश नहीं पता नहीं तो होता है स्पाइस है, तो मसाला। अब देखिए नमक और मसाला कभी भी यहाँ पे इसकी कंडीशन में मिक्स नहीं हो सकते, लेकिन मसाला तो स्वीट के साथ मिक्स हो सकता है, मसाला यहाँ भी तो आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, तो यह दूसरी कंडीशन होगी। बस याद रखिएगा कि नमक और मसाला मिक्स नहीं होंगे, क्योंकि कथन में डायरेक्टली दिया हुआ है कोई नमक मसाला नहीं है, तो नमक और मसाला को आप कभी भी नहीं मिला सकते हैं। अब देखिए आपके सामने दो निष्कर्ष हैं, चेक करिए। पहला निष्कर्ष, कुछ मिठाइयां मसाले हैं। देखिए कुछ मिठाइयां मसाले हैं, क्या इस डायग्राम में मिल रहा है? तो आप बोलोगे नहीं मिल रहा, लेकिन लेकिन अगर यहाँ पे आप मसाला यहाँ पे रख दोगे तो स्वीट तो आ जाएगी मसाले में, लेकिन मैंने क्या बोला था, आपको दोनों डायग्राम में सही होना चाहिए। जब एक में गलत तो दूसरा चेक करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए आप पहला निष्कर्ष डायरेक्टली क्या कर दोगे, गलत। दूसरा चेक करिए, कोई मसाला नमक नहीं है, तो बिल्कुल चाहे आप मसाले को यहाँ पर बैठाओ तो देखो नहीं है, और चाहे मसाले को आप यहाँ पर बैठाओ तो भी नमक को टच नहीं करेगा, क्योंकि कथन में डायरेक्टली दिया हुआ है कि कोई भी नमक मसाला नहीं, मतलब नमक और मसाले को कभी जब जोड़ नहीं मिला सकते हो तो कोई मसाला नमक नहीं है, यह कंडीशन होती है सही, ठीक है ना। कोई मसाला नमक नहीं है, कोई मसाला नमक नहीं है, मतलब निष्कर्ष दो सही है। तो निष्कर्ष दो सही है, मतलब कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर दो, ऑप्शन नंबर दो सही होने वाला है, केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। अब क्या बताओगे, यदि केवल निष्कर्ष दो अनुसरण कर रहा है तो ऑप्शन नंबर दो बताओगे। अब चलते हैं प्रश्न नंबर सात। प्रश्न नंबर सात देखिए, प्रश्न नंबर सात में कुछ कागज प्लास्टिक हैं, सभी कागज कपड़े हैं। अब निष्कर्ष देखिए, कुछ प्लास्टिक कपड़े हैं, कुछ प्लास्टिक कागज हैं। कुछ पहला निष्कर्ष, कुछ प्लास्टिक कपड़े हैं, दूसरा है कुछ प्लास्टिक कागज हैं। जल्दी से बताइए दोस्तों, जल्दी से बताइए साथ में क्या आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में, जल्दी से लाइव चैट में, जल्दी से आपको कमेंट करना है, इतना टाइम नहीं लगने वाला है, स्पीड हम पकड़ चुके हैं, इसलिए आपको जल्दी जल्दी सॉल्व करते चलना है। अब दोस्तों
तीन से चार टेस्ट सीरीज हो गई हैं, ये हमारी टेस्ट सीरीज का लास्ट है। आगे रीजनिंग की क्लासेस जो बची हुई हैं, अभी बहुत सारे क्लासेस बची हुई हैं दोस्तों रीजनिंग में। अभी आपको कथन एवं पूर्वधारणा पढ़ना है, उसके बाद कथन एवं तर्क पढ़ना है। तो याद रखिएगा, जो कथन और पूर्वधारणा, कथन और निष्कर्ष, कथन और तर्क, ये तीनों चैप्टर हैं, तीनों से मिलाकर करीब 6 से 7 प्रश्न बनते हैं। तो कथन एवं निष्कर्ष ये चैप्टर हमने हमारे द्वारा पढ़ा दिया गया, अभी कथन और पूर्व धारणा बची हुई है, साथ में कथन एवं तर्क बचा हुआ है। तो ये चैप्टर सभी बचे हुए हैं, तो अभी आपको बहुत जल्दी से करा दिए जाएंगे। उसके बाद आपको पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग वाले चैप्टर बचे हैं, मतलब कि आपकी नॉन वर्बल रीजनिंग बची हुई है, तो अभी कराई जाएगी। बस आप टेंशन मत लीजिए, 3-4 प्रैक्टिस सेट मेरे लाने को देश था कि आपको कितना ज्ञान है, बस आप अपने ज्ञान की परीक्षा कर लीजिए, उस हिसाब से आप आगे की तैयारी करिए। चलिए, कुछ कागज प्लास्टिक हैं, तो देखिए कुछ कागज मतलब कुछ कागज, कागज को के लिख लीजिए, फिर क्या है, कुछ कागज प्लास्टिक है तो प्लास्टिक को पी लिख लीजिए, भाई कागज और प्लास्टिक तभी तो पता चलेगा, कुछ कागज प्लास्टिक है। आगे देखिए, सभी कागज कपड़े हैं, सभी कागज कपड़े हैं, सभी कागज, अब सभी कागज ये हो जाएगा, सभी कागज क्या हैं, तो देखिए कपड़े हैं, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए कपड़े, कपड़े को लिख लीजिए सी क्लॉथ, कपड़े हैं, तभी तो समझ में आएगा, कागज और कपड़े करके लिख देंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो ये कागज हो गया और ये प्लास्टिक हो गया और क्लॉथ से कपड़े हो गए। अब देखिए निष्कर्ष, ये डायग्राम पहला कथन के हिसाब से बन गया, अब निष्कर्ष हम मिलाते हैं। तो निष्कर्ष देखिए, कुछ प्लास्टिक कपड़े हैं, तो देखिए कुछ प्लास्टिक कपड़े हैं, बिल्कुल देखिए प्लास्टिक कपड़े को टच कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, तो आप बताओगे सही है, कुछ प्लास्टिक कपड़े हैं, बिल्कुल प्लास्टिक कपड़े को टच कर रहा है। दूसरा देखिए, कुछ प्लास्टिक कागज हैं, तो देखिए कि प्लास्टिक जो है कागज को भी टच कर रहा है, तो टच कर रहा है, मिला दोगे दूसरे डायग्राम में तब भी टच करेगा, मतलब दोनों कंडीशन लागू हो रही हैं, दोनों कंडीशन लागू हो रही हैं भाई, चाहे आप इनकी कागज प्लास्टिक और क्लॉथ के भी बाउंड्री सेम कर दीजिए, कुछ वाली कंडीशन तो चाहे अंदर से बाहर जाए चाहे बाहर से अंदर, सभी में लागू होती है, इसलिए यह चैप दोनों सही हैं। तो आप इसमें क्या बताओगे, ऑप्शन नंबर 5, मतलब कि निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों अनुसरण कर रहे हैं, निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों अनुसरण कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए आप देखते हैं प्रश्न नंबर 8, सर लगा दीजिए प्रश्न नंबर 8, देखिए आपके सामने प्रश्न नंबर 8 शो हो रहा होगा। कथन है, कुछ तूफान चक्रवात हैं, सभी हवाएं तूफान हैं, सभी बादल हवाएं हैं। आगे देखिए, सभी तूफान बादल हैं, निष्कर्ष में दिया है, सभी बादल चक्रवात हैं। जल्दी से बताइए दोस्तों, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए क्या आंसर होने वाला है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, बहुत लोग सोचते हैं कि सर फ़ोन में क्या लिए रहते हैं पेपर में, तो पेपर में थोड़ा सा दोस्तों, अभी तो देखिए प्रिंटर तो है नहीं, तो क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, टाइप करते हैं, टाइप करने के बाद चाहे उसको पेपर में लिखेंगे तो टाइम लगेगा, तो इस तरह फ़ोन में पीडीएफ क्वेश्चंस की बना लेते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चंस की पीडीएफ बना लेते हैं और फिर आपको सॉल्व करवाते हैं। देखिए क्वेश्चन दिए हुए हैं जो आपके सामने शो हो रहा होगा, यही प्रश्न लगा देते हैं, तो ऐसे प्रश्न हम लोग लिए रहते हैं। देखिए 6-7 ये क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। बहुत लोग सोचते होंगे सर क्या सोल्यूशन भी ले रहे थे, सोल्यूशन हम लोग के पास नहीं होता है, ये देखिए डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन लिए रहते हैं। तो 8वां प्रश्न चल रहा आपका, तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए सभी तूफान चक्रवात हैं, तो भाई आप तूफान, सभी तूफान क्या हैं, आप बोल दो सर चक्रवात हैं, सभी तूफान चक्रवात हैं, सभी हवाएं तूफान हैं। अब देखिए सभी हवाएं तूफान हैं, तो अब यहाँ पे देखिए सभी तूफान, तूफान को हमने टी में लिखा, ये हो गया चक्रवात। अब देखिए सभी हवाएं तूफान हैं, मतलब हवाएं कहाँ होंगी, तूफान के अंदर। तो दोस्तों इसको थोड़ा सा हम तीसरे वाले कथन से बनाते हैं, क्योंकि अंदर सब आ रहा है, तो इसको देखिए नीचे सभी बादल हवाएं हैं, तो आप लिखिए सभी बादल, बादल क्या होंगे, आप बादल को भी लिख लीजिए, सभी बादल क्या हैं, आप बोलोगे हवाएं हैं, हवाएं हैं, हवाएं मतलब लिख लीजिए एयर हैं, सभी बादल क्या हैं, हवाएं हैं, सभी बादल हवाएं हैं। दूसरा कथन देखिए, सभी हवाएं तूफान हैं, सभी हवाएं क्या हैं, सभी हवाएं तूफान हैं। आगे पहले कथन में दीजिए, सभी तूफान चक्रवात हैं, सभी तूफान चक्रवात हैं,
सभी तूफान क्या है, चक्रवात हैं। अब देखिए ये हमारा डायग्राम बन गया, हम पीछे से पढ़ें इसको भी आप कर लोगे तो कैसे, देखिए सभी हवाएं, सभी तूफान चक्रवात हैं, आपने लिख लिया सभी तूफान चक्रवात हैं। उसके बाद देखिए सभी दूसरा कथन पढ़ेंगे, सभी हवाएं तूफान हैं, तो अब तूफान के अंदर हवा को रखेंगे, किसको रखेंगे, हवा को रखेंगे, तूफान के अंदर हवा को रखेंगे, फिर ये होगा तूफान, ये होगा क्या, एयर। अब देखिए फिर क्या बोलता है, सभी बादल हवाएं हैं, अब हवा के अंदर किसको रखोगे आप, बादल को, तो बन देगा तो वही इंडोफिंड, इसलिए तो यहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो रही छोटा बनाने में, इसलिए यहाँ पे हमने बड़ा बना लिया, सेम डायग्राम ही बनेगा, ठीक है, चाहे ऊपर से नीचे करो चाहे नीचे से ऊपर, तो थोड़ा सा सरल बनाने के लिए हमने उसको बना लिया डायग्राम को। अब देखिए निष्कर्ष हैं, पहला और दूसरा मिलाइए, पहला दिया सभी तूफान बादल हैं, मैंने क्या बोला आप देखो, अंदर से या बाहर, अगर अंदर से बाहर की ओर गया होगा तो सभी वाली कंडीशन फॉलो होगी, लेकिन अगर बाहर से अंदर की ओर आया होगा तो सभी वाली कंडीशन फॉलो नहीं होगी। तो क्या बोलता है, सभी तूफान बादल हैं, तो देखिए सभी तूफान, ये तूफान है, सभी तूफान क्या है, बादल हैं, सभी तूफान बादल हैं, देखिए बाहर से अंदर की ओर आ रहा है, मतलब यह तो डायरेक्टली गलत हो गया, क्योंकि मैंने क्या बोला, सभी की कंडीशन कब होती है, जब अंदर से बाहर की ओर आप जाओगे, लेकिन आप कहाँ आ रहे हो, तू सभी तूफान बादल हैं, बाहर से आप अंदर की ओर आ रहे हो, इसलिए यह गलत हो गया। आगे देखिए सभी बादल चक्रवात हैं, अब देखिए सभी बादल, ये बादल है, सभी बादल चक्रवात है, मतलब कहाँ जा रहे हो, अंदर से बाहर की ओर जा रहे हो, तो अंदर से बाहर की ओर सभी वाली कंडीशन लागू होती है, तो सभी बादल चक्रवात हैं, सही है, मतलब जो प्रश्न नंबर 8 है उसका आंसर क्या होगा, दूसरा, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण कर रहा है, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण कर रहा है। अब चलिए प्रश्न नंबर 9 की ओर, सर लगा दीजिए प्रश्न नंबर 9, तो देखिए प्रश्न नंबर 9 आपके सामने शो हो रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है, देखिए कुछ फ्लॉपियां कीबोर्ड हैं, दूसरा कथन दिया हुआ सभी कीबोर्ड स्पीकर हैं, तीसरा दिया है सभी स्पीकर मॉनिटर हैं, निष्कर्ष क्या दिया, कुछ मॉनिटर फ्लॉपियां हैं, दूसरा दिया है निष्कर्ष सभी कीबोर्ड मॉनिटर हैं, जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, केवल एक अनुसरण कर रहा निष्कर्ष या केवल 2 अनुसरण कर रहा है, या यदि या तो 1 कर रहा है या 2, यदि ना तो 1 कर रहा है ना तो 2, तो 4 ऑप्शन देना, 5वां यदि दोनों अनुसरण कर रहे हैं तो 5वां ऑप्शन देना है, तो जल्दी से आंसर बताइए प्रश्न नंबर 9 का आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से कमेंट करिए प्रश्न नंबर 9 का आंसर क्या होने वाला है। तो देखिए चालू करते हैं, कुछ फ्लॉपियां कीबोर्ड हैं, देखिए डायरेक्टली हम बनाते हैं, कुछ फ्लॉपियां हमने क्या लिखी, इसको लिख दी कुछ फ्लॉपियां क्या हैं, कीबोर्ड हैं, क्या हैं, आप बोलोगे सर कीबोर्ड हैं, सभी कीबोर्ड स्पीकर हैं, अब देखिए सभी कीबोर्ड क्या हैं, आप बोलोगे सर सभी कीबोर्ड स्पीकर हैं, आगे देखिए सभी स्पीकर मॉनिटर हैं, सभी स्पीकर क्या हैं, आप बोलोगे सभी स्पीकर क्या हैं सर मॉनिटर हैं। ये जैसे जैसे कथन में बोला, पहला डायग्राम याद रखिएगा, पहला डायग्राम हमको सिर्फ कथन के हिसाब से बनाना है, तो जैसे कथन में बोलेगा हमको वैसे बनाना है। अब देखिए दूसरा डायग्राम अपने दिमाग में बैठा लीजिए, पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस को आपस में किसी भी तरह हम मिक्स कर सकते हैं, क्लियर है। चलिए अब मिलाते हैं निष्कर्ष को, तो निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 मिलाइए, कुछ मॉनिटर फ्लॉपियां हैं, पहला देखिए कुछ मॉनिटर फ्लॉपियां हैं, बिल्कुल बिल्कुल फ्लॉपियां, कुछ मॉनिटर फ्लॉपियां हैं, बिल्कुल सही है, कुछ मॉनिटर फ्लॉपियां हैं, देखिए बिल्कुल सही है, कुछ मॉनिटर फ्लॉपियां हैं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। दूसरा मिलाइए, सभी कीबोर्ड मॉनिटर हैं, सभी कीबोर्ड मॉनिटर हैं, अंदर से बाहर की ओर, सभी की कंडीशन क्या लागू होगी, बिल्कुल लागू होगी, क्यों, क्योंकि अंदर से बाहर की ओर जा रहे हैं, सभी कीबोर्ड मॉनिटर हैं, बिल्कुल सभी कीबोर्ड मॉनिटर, देखिए कीबोर्ड मॉनिटर के अंदर है, मतलब सही, दोनों सही, तो ऑप्शन नंबर 5 सही आंसर, जब दोनों सही हो तो आप बोलोगे निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों अनुसरण कर रहे हैं, तो 9वें का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 5। अब चलते हैं 10वें प्रश्न की ओर, 10वें प्रश्न की ओर, तो देखिए 10वां प्रश्न क्या होने वाला है,
दसवां प्रश्न, सभी द्वीप देश हैं, सभी महाद्वीप द्वीप हैं, सभी ग्रह देश हैं। तीन कथन दिया है, निष्कर्ष दिया है। पहला, कुछ महाद्वीप देश नहीं हैं, कोई ग्रह महाद्वीप नहीं है। जल्दी से बताइए प्रश्न नंबर 10 का सही आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से कमेंट करिए दोस्तों। तो आधे रास्ते तक हम आ चुके हैं, 10 प्रश्न हो चुके हैं, 10 प्रश्न और बचे हैं, तो जल्दी से स्पीड के साथ आप करते चलिए। जल्दी से बताइए, कमेंट करिए प्रश्न नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा। सर आपको रिप्लाई करते रहेंगे, कमेंट यहाँ पढ़ने पे टाइम लग जाएगा दोस्तों, और कमेंट का रिप्लाई केवल सर देते रहेंगे, मेरे द्वारा बाद में दिया जाएगा। तो आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें पूछ सकते हैं दोस्तों मैसेज करके, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, बाद में मैं देख लूँगा, ठीक है। चलिए, सभी द्वीप देश हैं, तो जैसे बोलेगा वैसे बना दीजिए। तो सभी द्वीप देश हैं, तो आप यहाँ पे बनाइए दोस्तों आराम से, क्या द्वीप, क्या बोलता, सभी द्वीप क्या हैं, देश हैं। देश को आप बना लो सी से, तो सभी द्वीप क्या हो गए, देश, सभी द्वीप देश हैं। आगे देखिए, सभी महाद्वीप द्वीप हैं, सभी महाद्वीप द्वीप हैं। अब देखिए, सभी महाद्वीप, अब द्वीप के अंदर क्या आ जाएगा, महाद्वीप, सभी महाद्वीप द्वीप हैं, तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों, आप लिख लो महाद्वीप, MD लिख लो महाद्वीप। तो सभी महाद्वीप द्वीप हैं, तो द्वीप के अंदर आ गया महाद्वीप। आगे देखिए, सभी ग्रह देश हैं, अब सभी ग्रह, ये देश है तो देश के अंदर बना दीजिए सभी ग्रह देश हैं। यहाँ पे क्या बना दीजिए, ग्रह, ग्रह मतलब आप बोलोगे प्लैनेट, तो आप लिख लीजिए PL। ये बन गया आपका डायग्राम, डायग्राम क्या बन गया, तो डायग्राम ये बन गया, सभी द्वीप देश हैं, देखिए सभी द्वीप देश हैं। दूसरा, सभी महाद्वीप द्वीप हैं, तो सभी महाद्वीप द्वीप के अंदर आ गए। तीसरा, सभी ग्रह, सभी देश क्या बोलता है, सभी ग्रह देश हैं, तो देश के अंदर आ गए क्या, ग्रह, प्लैनेट। अब देखिए चलते हैं निष्कर्ष में, निष्कर्ष एक निष्कर्ष दो मिलाइए। पहला, कुछ महाद्वीप देश नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा, कुछ महाद्वीप, ये महाद्वीप है, कुछ महाद्वीप देश नहीं है, कंट्री नहीं है, तो डायरेक्टली देखिए है भाई, कंट्री के अंदर है सब, कंट्री के अंदर हैं सब, तो यह गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, पहला निष्कर्ष गलत हो जाएगा। देख रहे हैं, पहला निष्कर्ष क्या हो गया, गलत हो जाएगा। देखिए क्या बोलता है, कुछ महाद्वीप देश नहीं है, कुछ महाद्वीप देश नहीं है, भाई महाद्वीप देश नहीं है लेकिन है, देखिए ठीक है ना। दूसरा मिलाइए, दूसरा क्या कह रहा है, कोई ग्रह महाद्वीप नहीं है, कोई ग्रह महाद्वीप नहीं है, कोई भी ग्रह, देखिए कोई भी ग्रह, कोई भी ग्रह महाद्वीप नहीं। अब देखिए, ग्रह महाद्वीप क्या आपस में टच हो रहे हैं, क्या आपस में टच हो रहे हैं, तो अब देखिए क्या आपस में टच हो रहे हैं, ग्रह और महाद्वीप क्या आपस में टच हो रहे हैं, तो अब बोलोगे सर नहीं टच हो रहे हैं। क्या बोलता, कोई ग्रह, कोई भी ग्रह महाद्वीप नहीं है, तो देखिए इसके अकॉर्डिंग तो सही है लेकिन पॉजिटिव में मिला देंगे तो गलत हो जाएगा, तो देखिए दोनों हो रहे हैं। जब दोनों गलत हो रहे हैं तो आप बताओगे कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा, ऑप्शन नंबर 4 होने वाला है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 4 होगा, मतलब कि ना तो एक अनुसरण कर रहा है ना ही दो कर रहा है। चलते हैं प्रश्न नंबर 11 के ऊपर, सर लगा दीजिए प्रश्न नंबर 11। देखिए दिया है, सभी बसें स्कूटर हैं, कोई स्कूटर ट्रेन नहीं है, कुछ ट्रेनें जीपें हैं। निष्कर्ष एक है, कोई बस ट्रेन नहीं है। निष्कर्ष दो है, कुछ जीपें स्कूटर हैं। जल्दी से कमेंट करिए दोस्तों, जल्दी से स्पीड बढ़ाइए, जल्दी से स्पीड बढ़ाइए, सॉल्व करिए जल्दी से। सभी बसें स्कूटर हैं, कोई स्कूटर ट्रेन नहीं है, कुछ ट्रेनें जीप हैं। कोई बस ट्रेन नहीं है, कुछ जीपें स्कूटर हैं, जल्दी से कमेंट करिए। तो देखिए, सभी बसें स्कूटर हैं, तो आप लिख लीजिए सभी बसें क्या हैं, तो आप बोलोगे सर स्कूटर हैं, स्कूटर हैं, लिख लीजिए। आगे देखिए, कोई स्कूटर ट्रेन नहीं, मतलब स्कूटर और ट्रेन का आपस में कोई संबंध नहीं है, स्कूटर ट्रेन कभी आपस में नहीं मिलेगी क्योंकि डायरेक्टली कथन में बोल दिया है। आगे देखिए, कुछ ट्रेनें जीपें हैं, अब कुछ ट्रेन को यहाँ पे आप बना दो क्या, तो आप बोलोगे सर जीप।
अब देखिए जीप तो यहाँ पे भी बन सकती है, इसमें भी जीप मिक्स हो सकती है, जीप यहाँ पे भी मिक्स हो सकती है। मतलब आपको याद रखना है कि जो स्कूटर है और ट्रेन है ये बस आपस में मिक्स नहीं होगी, लेकिन जीप इनमें सब में मिक्स हो सकती है। मतलब कि आप ऐसे भी जीप का दायरा बना सकते हो, ऐसे भी जीप का दायरा बना सकते हो। पॉजिटिव सेंटेंस की ये खासियत होती है। बस आपको बस ये याद रखना है कि चूंकि कथन में डायरेक्टली दे दिया है कि स्कूटर और ट्रेन नहीं है, तो स्कूटर और ट्रेन को आपस में कभी भी आप नहीं मिलाओगे, बाकी जीप को तो किसी के भी साथ मिला सकते हो, ये दिमाग में बैठा लेना। देखिए प्रश्न नंबर 11 में अब निष्कर्ष देखते हैं। तो निष्कर्ष को बहुत अच्छे तरीके से देखिए, कोई बस ट्रेन नहीं है, कोई बस ट्रेन नहीं है। तो देखिए कोई भी बस ट्रेन नहीं है, क्या यहाँ पे सही है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, कोई भी बस ट्रेन नहीं है। तो याद रखिएगा दोस्तों, कोई भी बस ट्रेन, जब ट्रेन को स्कूटर से भी नहीं मिला सकते हैं तो याद रखिएगा इसको डायरेक्टली हम क्या करेंगे, कोई भी बस ट्रेन नहीं है, कोई भी बस ट्रेन नहीं है, बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग सही है। अगर जीप कमियाबी कॉलम बना लेंगे फिर भी बस और ट्रेन भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि स्कूटर के अंदर बस हैं, इसलिए यह कथन क्या है, सही है। ठीक है ना, कोई बस ट्रेन नहीं है, कोई बस ट्रेन नहीं, पहला सही है। दूसरा, कुछ जीपें स्कूटर हैं, कुछ जीपें स्कूटर हैं। तो अब देखिए क्या पहले डायग्राम के हिसाब से आपस में टच हो रही हैं? तो आप बोलोगे सर इसके हिसाब से तो टच नहीं हो रही हैं, कुछ जीप स्कूटर हैं, बिल्कुल देखिए टच नहीं हो रही हैं, तो यह गलत हो जाएगा। लेकिन अगर जीप को हम ऐसे कॉलम बना देंगे तो टच तो होगी, लेकिन एक डायग्राम में गलत तो दोनों में गलत। तो यहाँ पे देखिए केवल एक निष्कर्ष निकल रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर 11 का क्या होगा, एक, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर, प्रश्न नंबर 12 की ओर। तो देखिए प्रश्न नंबर 12 में क्या दिया है, कुछ कमीजें बिस्कुट हैं, कोई बिस्कुट पुस्तक नहीं है, कुछ निष्कर्ष दिया है कुछ कमीजें पुस्तकें हैं, दूसरा दिया है कुछ पुस्तकें बिस्किट हैं। बहुत अच्छे तरीके से आपको सॉल्व करना है, और दोस्तों आपको बोरिंग लगता होगा अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे इस चैप्टर को, क्योंकि दोस्तों देखिए यहाँ पे हम केवल प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं जो चैप्टर हमारे द्वारा पढ़ा दिए गए हैं, लेकिन जब आप उनको डिटेल में पढ़े हो नहीं तो प्रैक्टिस सेट कैसे करोगे भाई। जब हम चैप्टर को पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद में उसका प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं, तो अभी जाइए और जाके सिलेबिज्म के पूरे वीडियो, ज़्यादा लंबे नहीं दोस्तों, आप देखोगे 20-20, 25-25, 30-30 मिनट के हैं, उनको कवर कर लीजिए, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे बताया है, उसको पढ़िए, उसके बाद ये पूरे प्रश्न लगाइएगा, सिंगल प्रश्न गलत नहीं होने वाला, गारंटी है 100%। ठीक है ना, चलिए तो प्रश्न नंबर 12 देखिए क्या दिया है, कुछ कमीजें बिस्किट हैं, डायरेक्टली लिखिए कुछ कमीजें बिस्किट हैं, तो कुछ कमीजें, कमीजे को लिख लीजिए के, कुछ कमीजें क्या हैं, बिस्किट हैं, तो बिस्कुट को लिख लीजिए बी, कुछ कमीजें बिस्किट हैं। आगे देखिए कोई बिस्किट पुस्तक नहीं है, मतलब कि कोई भी बिस्किट पुस्तक नहीं है, मतलब बिस्किट और पुस्तक कभी आपस में नहीं मिलेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बुक। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए बिस्किट, इसको लिख लीजिए बिस्किट बी आई एस, तो ताकि समझ में आ जाए। तो कोई भी कमीज, कोई भी, सॉरी पहला कथन दिया कुछ कमीजें बिस्किट हैं, बिल्कुल हैं। आगे दूसरा कथन दिया है कोई बिस्किट पुस्तक नहीं है, देखिए वो बिस्किट और पुस्तक को नहीं मिला सकते, लेकिन इस पुस्तक को उठा के हम यहाँ भी रख सकते हैं दूसरे डायग्राम में, माइंड में बैठा लीजिएगा, बुक को यहाँ पे भी लिख सकते हैं, मतलब कमीज और बुक्स आपस में मिल सकती हैं। ठीक है ना, ये अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, पॉजिटिव सेंटेंस हमेशा कहीं भी मिल सकते हैं, लेकिन बिस्किट और बुक कभी भी आपस में नहीं मिलेंगे, इस बात का हमें ध्यान रखना है, बाकी बुक को हम इसमें भी मिला सकते हैं कमीज में। अब देखिए दो निष्कर्ष हैं, दोनों निष्कर्ष के हिसाब से देखिए मिलाइए, कुछ कमीजें पुस्तकें हैं, कुछ कमीजें पुस्तकें हैं। अब देखिए इस डायग्राम के हिसाब से गलत है, कुछ कमीजें पुस्तकें, क्या कमीजें पुस्तकें आपस में मिल रही हैं कहीं पे? आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं मिल रही हैं, तो यहाँ पे गलत, दूसरा डायग्राम चेक करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ कमीजें पुस्तकें यहीं पर नहीं मिल रही, इसलिए यहीं पर गलत। दूसरा देखिए कुछ पुस्तकें बिस्किट हैं, कुछ पुस्तकें बिस्किट हैं, कुछ पुस्तकें भाई नहीं हैं, क्योंकि निष्कर्ष में डायरेक्टली बोल दिया है कोई भी पुस्तक, कोई भी बिस्किट पुस्तक नहीं है, तो कहाँ से होगा, तो दोनों निष्कर्ष गलत हो जाएंगे। जब दोनों निष्कर्ष गलत होंगे तो कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर 4। तो 12 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, मतलब कि ना तो निष्कर्ष एक अनुसरण कर रहा है, ना ही निष्कर्ष दो अनुसरण कर रहा है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी कि प्रश्न नंबर 13। देखिए प्रश्न नंबर 13 का कथन दिया, कुछ हैट टोपियां हैं, कुछ टोपियां चटाई हैं,
निष्कर्ष दिया है कुछ टोपियां हैट हैं, और अगला दिया है निष्कर्ष कुछ टोपियां चटाई हैं। ठीक है, कुछ टोपियां हैट है, कुछ टोपियां चटाई हैं। प्रश्न नंबर 13 जल्दी से कमेंट करिए, प्रश्न नंबर 13 का आंसर क्या होने वाला है, प्रश्न नंबर 13 का आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से कमेंट करिए दोस्तों, जल्दी से कमेंट करिए, प्रश्न नंबर 13 का आंसर क्या होने वाला है। तो देखिए बस इतना टाइम नहीं लगने वाला, अब स्पीड बढ़ाते चलिए। कुछ हैट टोपियां हैं, अब देखिए कुछ हैट क्या है, आप बोलोगे टोपियां हैं, टोपी को लिख लीजिए टोपियां, कुछ हैट टोपियां हैं। आगे देखिए कुछ टोपियां चटाई हैं, कुछ टोपियां क्या हैं, आप बोलो कुछ टोपियां क्या हैं, चटाई हैं, सी एच लिख लीजिए, कुछ हैट टोपियां हैं, कुछ टोपियां चटाई हैं। अब देखिए पॉजिटिव सेंटेंस से आपस में कैसे भी मिल सकते हैं। अब देखिए दो निष्कर्ष दिए होंगे, पहला निष्कर्ष कुछ टोपियां हैट हैं, भाई हमने क्या बोला कुछ वाला चाहे अंदर से बाहर जाओ चाहे बाहर से अंदर, दोनों में सही होता है, तो कुछ टोपियां हैट हैं, कुछ टोपियां हैट हैं, बिल्कुल देखिए टोपी और हैट एक दूसरे को टच कर रहे हैं, मतलब सही है। दूसरा देखिए कुछ टोपियां चटाई हैं, कुछ टोपियां चटाई, देखिए टोपी और चटाई भी आपस में मिल रही, मतलब सही है, मतलब कि निष्कर्ष एक और निष्कर्ष दोनों, जब दोनों सही होते हैं तो क्या बताएंगे ऑप्शन नंबर 5 कि निष्कर्ष एक और दो दोनों अनुसरण कर रहे हैं। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर, प्रश्न नंबर 14 की ओर। तो देखिए प्रश्न नंबर 14 आपके सामने दिया हुआ है, सभी ड्रम बांसुरियां हैं, कुछ बांसुरियां लंबी हैं, निष्कर्ष दिया है कुछ ड्रम लंबे हैं, दूसरा दिया कोई ड्रम लंबा नहीं है। जल्दी से कमेंट करिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 14 का आंसर क्या होने वाला है, प्रश्न नंबर 14 का आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए प्रश्न नंबर 14 का आंसर क्या होने वाला है, प्रश्न नंबर 14 का आंसर क्या होने वाला है। चलिए प्रश्न नंबर 14 को सॉल्व करते हैं, इतना टाइम नहीं लगने वाला। देखिए सभी ड्रम बांसुरियां हैं, तो लिखिए सभी ड्रम क्या हैं, आप बोलोगे सर बांसुरियां हैं, सभी ड्रम बांसुरियां हैं। आगे देखिए कुछ बांसुरियां लंबी हैं, तो कुछ बांसुरियां क्या है लंबी हैं, कुछ बांसुरियां क्या है लंबी हैं। अब देखिए निष्कर्ष चेक करिए, एक और दो निष्कर्ष चेक करिए, तो यार देखिए ड्रम और ये हो जाएगा, देखिए कुछ ड्रम लंबे हैं, अब देखिए ड्रम क्या इसको टच कर रहा है, लंबाई को नहीं कर रहा, देखिए लंबाई यहां से है और ड्रम यहां से, तो पहले डायग्राम में गलत, मतलब कि गलत, तो पहला कथन निष्कर्ष तो हो गया गलत। दूसरा देखिए कोई ड्रम लंबा नहीं है, भाई कोई ड्रम लंबा नहीं है, कोई ड्रम लंबा नहीं है, देखिए कोई ड्रम लंबा नहीं है। अब देखिए कोई भी ड्रम लंबा नहीं है, लेकिन देखिए आपस में तो ये मिल सकते हैं, मैंने क्या बोला जब पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं तो आपस में तो ये मिल सकते हैं, आपस में मिल सकते हैं, मतलब कि आप देखोगे ड्रम की बाउंड्री सेम हो सकती है, और भाई लंबाई यहाँ से ये लंबाई वाला ऐसे भी तो बन सकता है ना, बिल्कुल बन सकता है, तो इसलिए यह दूसरा निष्कर्ष भी हो जाएगा गलत। अब आप लगा दोगे ऑप्शन नंबर चार दोनों अनुसरण नहीं करते और हो जाएगा आपका गलत। इसमें देखिए दोस्तों याद करिए हमारी क्लास में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जहाँ पे सेम होते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट मतलब कि निष्कर्ष में मिलाना है आपको, निष्कर्ष में तो देखिए यहाँ पे दिया है ड्रम लंबाई, ड्रम और लंबाई, सब्जेक्ट ड्रम और लंबाई प्रेडिकेट दोनों दिया है। उसी तरह देखिए कोई ड्रम, यहाँ पे भी ड्रम और नीचे भी लंबाई, मतलब कि कथन निष्कर्ष में देखिए ड्रम और लंबाई पहले निष्कर्ष में दिया है और नीचे वाले निष्कर्ष में भी ड्रम और लंबाई दिया है, मतलब दोनों में सेम बातें कही गई हैं। और दूसरी कंडीशन क्या थी, एक पॉजिटिव हो एक निगेटिव हो, तो देखिए पहला सेंटेंस पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है, तो एक पॉजिटिव हो एक निगेटिव हो दोनों कंडीशन, तो पहली कंडीशन क्या होगी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट वाली, क्या बोलोगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट वाली। दूसरी कंडीशन क्या होगी पॉजिटिव और निगेटिव वाली, ये भी फॉलो कर रहा है ये भी फॉलो कर रहा। तीसरा आप देखोगे कि सम और सम नॉट है, क्या है आप बोलोगे सम और सम नॉट का केस है, सम और सम नॉट का केस है, सम और सम नॉट का केस नहीं सॉरी सम और
नो का केस है, किसका है, देखिए कोई कुछ ड्रम लंबे हैं मतलब सम हो गया, कोई ड्रम लंबा नहीं है तो हो जाएगा नॉट, सम और नॉट का केस है, सम और नॉट का केस है। आगे देखिए चौथी कंडीशन क्या हो जाएगी, जब दोनों को हम अलग अलग क्रॉस करते हैं तो दोनों निष्कर्ष गलत हैं, तो देखिए यहां पे भी गलत है यहां पे भी गलत, जब दोनों गलत हैं तब आप देखोगे जहां पे सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम हो, एक सेंटेंस पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, जहां पे सम और सम नॉट वाली कंडीशन दी हुई हो तो आप वहां पे क्या बोलोगे, और अलग अलग जांचने पे दोनों निष्कर्ष गलत हो तो वहां पे आप देखोगे यहां पे या तो एक होगा या तो दो होगा, मतलब आइदर वाली कंडीशन होगी, मतलब कि ऑप्शन नंबर तीन इसका सही आंसर होगा। आइदर और वाली कंडीशन आप देख लीजिएगा इस चैप्टर में, मैं लिंक दे दूंगा आइदर और वाला, ये वीडियो जरूर देखिएगा तो आपके आइदर और के पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो जब भी आपके दोनों गलत निकलें निष्कर्ष तो आंख मूंद के दोनों गलत मत कर दीजिएगा, एक बार उसके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट चेक कर लीजिएगा, दूसरी बार पॉजिटिव और निगेटिव चेक कर लीजिएगा, दूसरी कंडीशन तीन कंडीशन मैंने बताई थी आल और नॉट वाली, ठीक है ना, तो तीनों कंडीशन को आप देख लीजिएगा और फिर जब चेक कर लीजिएगा तभी लगाइएगा दोनों गलत, जब ये वाली फॉलो नहीं होगी तब आप बताओगे कि दोनों गलत हैं, ठीक है ना। चलिए तो आइदर और वाली बहुत ज्यादा इस समय लेटेस्ट में क्वेश्चन आते हैं और बच्चे लगा के चले जाते हैं कि दोनों गलत हैं, तो अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आइदर और कहां लगने वाला है। अब देखिए प्रश्न नंबर 15 देखिए, सभी खिलौने गुड़िये हैं, सभी गुड़िये मीठी हैं, निष्कर्ष दिया सभी गुड़िया खिलौने हैं, सभी खिलौने मीठे हैं, जल्दी से बताइए दोस्तों, जल्दी से बताइए प्रश्न नंबर 15 का आंसर क्या होने वाला है, चलिए इतना टाइम नहीं लगने वाला। देखिए सभी खिलौने गुड़िये हैं, मतलब कि आप बोलोगे सभी खिलौने, खिलौने को लिख लो के एच या टॉय कुछ भी लिख सकते हो, सभी खिलौने गुड़िये हैं, सभी खिलौने क्या हैं, आप बोलोगे सर सभी खिलौने क्या हैं, गुड़िये हैं, गुड़िये मतलब डॉल हैं, गुड़िये हैं, सभी खिलौने गुड़िये हैं, सभी गुड़िये मीठी हैं, सभी गुड़िये क्या हैं, मीठी हैं, स्वीट हैं, सभी डॉल क्या हैं, स्वीट हैं, ठीक है ना। अब आगे देखिए निष्कर्ष एक और निष्कर्ष दो, सभी गुड़िया खिलौने हैं, सभी गुड़िया खिलौने हैं, बाहर से कहाँ जा रहा है, अंदर की ओर, तो क्या सभी की कंडीशन लगेगी, बिल्कुल नहीं लगेगी, सभी गुड़िया खिलौने हैं बिल्कुल नहीं लगेगी, अगर होता सभी खिलौने गुड़िया तो सही होता, मतलब कि यह गलत होने वाला है, क्यों, क्योंकि आप देखोगे बाहर से अंदर की ओर जा रहा है और सभी की कंडीशन है, तो सभी गुड़िया खिलौने मतलब कि गलत हो गया। दूसरा देखिए सभी खिलौने मीठे हैं, इसमें देखिए सभी खिलौने मीठे मतलब अंदर से बाहर की ओर आ रहा है तो सभी की कंडीशन बिल्कुल लगेगी, सभी खिलौने मीठे हैं बिल्कुल सही है, मतलब क्या बताओगे निष्कर्ष दो निकल रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर दो होने वाला है, केवल निष्कर्ष दो निकलेगा, ठीक है ना, केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करेगा, प्रश्न नंबर 15 का आंसर होने वाला है। अब चलिए प्रश्न नंबर 16 पे, तो देखिए प्रश्न नंबर 16 में क्या दिया है, कोई कागज पेंसिल नहीं है, दूसरा कथन दिया है कुछ कागज क्लिप हैं, आपके सामने निष्कर्ष दिया कोई क्लिप पेंसिल नहीं है, कुछ पेंसिल कागज हैं, ठीक है ना, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिए 16 का आंसर क्या होगा, कोई कागज पेंसिल नहीं है, दूसरा दिया कथन कुछ कागज क्लिप हैं, निष्कर्ष दिया है पहला कोई क्लिप पेंसिल नहीं है, कुछ पेंसिल कागज हैं। चलिए इतना समय नहीं लगने वाला है, जल्दी से कमेंट करिए, देखिए कोई कागज पेंसिल नहीं है मतलब कि आप देखो कोई भी कागज मतलब कोई भी पेपर, कोई भी लिख लीजिए पेपर, कोई भी पेपर पेंसिल नहीं है मतलब पेपर और पेंसिल आपस में नहीं मिलेंगी, कोई भी पेपर पेंसिल नहीं है मतलब पेपर और पेंसिल कभी भी आपस में नहीं मिलेंगी, कुछ कागज क्लिप हैं, अब देखिए कुछ कागज जो पेपर हैं क्या हैं, क्लिप हैं, अब देखिए क्लिप यहाँ जाकर के पेंसिल भी मिल सकते हैं क्योंकि क्लिप और पेंसिल के बीच में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं दी हुई है, रिस्ट्रिक्शन किसके बीच में दी है, कागज और पेंसिल के बीच में, कागज पेंसिल नहीं मिलेंगी बल्कि क्लिप, आप देखोगे क्लिप ऐसे भी बन सकती है मतलब कि क्लिप और पेंसिल भी मिल सकते हैं, क्लिप पेपर के साथ ही मिल सकता है, क्लिप की कोई बॉन्डिंग
नहीं है। लेकिन किसकी बॉन्डिंग है आप बताओगे, पेपर और पेंसिल आपस में नहीं मिलेंगे। अब देखिए तो फिर निष्कर्ष पे चलते हैं, निष्कर्ष पे चलते हैं। तो देखिए निष्कर्ष दिया है कोई क्लिप पेंसिल नहीं है, कोई क्लिप, देखिए कोई क्लिप पेंसिल नहीं है, इसके हिसाब से तो ठीक है भाई, कोई क्लिप पेंसिल नहीं है इसके हिसाब से तो चलो ठीक है। लेकिन भाई दूसरे डायग्राम में तो क्लिप और पेंसिल तो मिल सकती है, मतलब कि ये हो जाएगा गलत। भाई पेंसिल का और क्लिप का थोड़ी ना कोई बाउंडिंग है, तो कोई क्लिप पेंसिल नहीं है तो ये हो गया गलत, इसके हिसाब से तो सही है लेकिन दूसरे डायग्राम के हिसाब से गलत, और एक में गलत तो आपको पता ही है दोनों में गलत होगा। आगे देखिए कुछ पेंसिल कागज हैं, कुछ पेंसिल कागज हैं बिल्कुल गलत है, देखिए यहीं पे इसी में गलत हो गया, तो दोनों गलत। जब दोनों गलत, दोनों गलत, अब आपको चेक करना है कहीं आइदर और वाली कंडीशन तो नहीं है। देखिए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सबसे पहले चेक कर लीजिए, तो आप चेक करोगे इसमें क्लिप और पेंसिल दिया है, देखो क्लिप और पेंसिल, नीचे क्या दिया है पेंसिल और कागज, तो गलत हो गया। देखिए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम नहीं है, क्योंकि ऊपर दिया है क्लिप और पेंसिल, नीचे दिया है दोस्तों पेंसिल और कागज, लेकिन अगर पेंसिल और क्लिप देता तब सेम कहलाते, क्योंकि आप देखोगे आइदर आर वहीं पे लगेगा जहां पे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम हो। जैसे ऊपर वाले कथन में दिया क्लिप पेंसिल नहीं है और नीचे वाले में दिया होता पेंसिल क्लिप नहीं है, तो अगर ऊपर क्लिप और पेंसिल दिया तो नीचे भी क्लिप और पेंसिल होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हो आइदर और की कंडीशन नहीं लगेगी, मतलब आप बोलोगे ऑप्शन नंबर 4 आएगा, ना तो निष्कर्ष 1 निकल रहा है ना ही निष्कर्ष 2 निकल रहा है, तो 16 का क्या हो गया 4। आई थिंक अब आप आइदर और की कंडीशन भी समझ चुके हो, जब दोनों क्रॉस हो जाए तो अब आपको एक बार जरूर चेक कर लेना है कहीं आइदर और की कंडीशन तो लग नहीं रही है। अब चलिए प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर 17 देखिए, सभी चाबियां ताले हैं कुछ ताले दरवाजे हैं, सभी चाबियां ताले हैं कुछ ताले दरवाजे हैं। निष्कर्ष दिया है कुछ दरवाजे चाबियां हैं, दूसरा दिया है कुछ दरवाजे चाबी नहीं हैं, कुछ दरवाजे चाबियां हैं कुछ दरवाजे चाबी नहीं हैं। जल्दी से आपको बताना है क्या होने वाला है इसका आंसर प्रश्न नंबर 17 का, प्रश्न नंबर 17 का आंसर क्या होने वाला है, तो चलिए जल्दी से सॉल्व करिए, इतना टाइम नहीं लगाने वाला है। देखिए सभी चाबियां ताले हैं, तो आप लिखिए सभी चाबियां, मतलब जो आप बोलोगे सभी कीज, सभी कीज क्या है आप बोलोगे सर लॉक हैं, सभी की लॉक हैं। आगे देखिए कुछ ताले दरवाजे हैं, कुछ लॉक क्या हो गए हैं आप बोलोगे सर डोर हो गए हैं, ठीक है ना, कुछ चाबियां ताले हैं और कुछ ताले क्या हो गए हैं डोर हो गए हैं। अब आप मिला लीजिए चेक कर लीजिए, तो याद रखिएगा पॉजिटिव सेंटेंस आपस में किसी भी तरह ही आपस में मिक्स हो सकते हैं। अब देखिए कुछ दरवाजे चाबियां हैं, कुछ दरवाजे चाबियां, क्या यहां पे दरवाजा चाबी टच हो रहा, तो आप देखोगे यहां पे टच नहीं हो रहा, लेकिन आपस में तो मिल सकते हैं, लेकिन एक डायग्राम में भी गलत तो दोनों में गलत। आगे देखिए कुछ दरवाजे चाबी नहीं है, कुछ दरवाजे चाबी नहीं, इसके हिसाब से तो ठीक है, इसके हिसाब तो ठीक है दरवाजे चाबी नहीं है, लेकिन हम दरवाजे को ऐसे भी तो बना सकते थे, दरवाजे को तो हम ऐसे भी बना सकते थे दूसरे डायग्राम में, दूसरे डायग्राम में तो सही होता, तो हमने क्या बोला एक डायग्राम में भी अगर गलत है तो गलत है, तो यहाँ पे गलत है। अब दोनों गलत हैं, अब मैंने क्या बोला जब दोनों गलत हैं तो आपको चेक करना है कि कहीं आइदर और की कंडीशन तो नहीं है, तो देखिए सब्जेक्ट प्रेडिकेट चेक करिए, तो देखिए यहाँ पे कुछ दरवाजे चाबियां हैं, मतलब सब्जेक्ट दरवाजा प्रेडिकेट है क्या चाबी, नीचे देखिए कुछ दरवाजे चाबी नहीं है, यहाँ ऊपर वाले में दरवाजे और चाबी दिया, नीचे भी दरवाजे और चाबी दिया है, मतलब आइदर आर लग सकता है, क्योंकि देखिए ऊपर वाले कथन में भी दरवाजा और चाबी दिया, नीचे वाले में भी दरवाजा और चाबी दिया है, तो पहली कंडीशन तो लागू हो गई सब्जेक्ट प्रेडिकेट वाली। दूसरी कंडीशन चेक करिए, दूसरी कंडीशन चेक करिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो देखिए ऊपर वाला पॉजिटिव और नीचे वाला नेगेटिव, दूसरी कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। तीसरी कंडीशन देखिए आइदर और वाली, तीसरी कंडीशन देखिए, तीसरी कंडीशन में मैंने क्या बोला था सम और सम नॉट की कंडीशन है, किसकी है सम और सम नॉट वाली कंडीशन है, सम और सम नॉट वाली कंडीशन है, सम और सम नॉट वाली कंडीशन है, तो बच्चा क्या दोस्तों तीनों कंडीशन को यह फुलफिल कर रहा है, मतलब कि क्या होने वाला है इसमें आप बताओगे आइदर और, या तो निष्कर्ष एक या तो निष्कर्ष दो, मतलब ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होने वाला है, ठीक है ना, 4 मत लगा दीजिएगा ऑप्शन नंबर 4, 3 होगा क्योंकि ये तीनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर, सर लगा दीजिए प्रश्न नंबर 18,
प्रश्न नंबर 18 देखिए आपके सामने शो हो रहा होगा। प्रश्न नंबर 18, एक निश्चित कूट भाषा में MIND को KGLB लिखा जाता है तथा ARGUE को YPESO लिखा जाता है, सी लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में DIA GRAM को कैसे लिखा जाएगा? जल्दी से बताइए, क्या लिखा जाएगा, कौन सा था? प्रश्न नंबर 18 था, क्या था जल्दी से बताइए। तो आप देखिए MIND था, माइंड था, माइंड को क्या लिखा था? आप बोलोगे सर K लिखा था, G लिखा था, L लिखा था और B लिखा था। तो चेक कर लीजिए दूसरी कंडीशन में क्या थी, आप बोलोगे सर ARGUE को क्या लिखा था, आप बोलोगे सर Y लिखा था, P लिखा था, E लिखा था, S और C। तो आपसे क्या पूछा है, डायग्राम DIA GRAM डायग्राम को क्या लिखेगा। तो चेक कर लीजिए दोस्तों, M का होता है 13, I का होता है 9, N का होता है 14 और D का होता है, D है दोस्तों, D का होता है 4। तो अब देखिए यहाँ से यहाँ पे आया है, मतलब L का होता है, K का होता है 11, G का होता है 7, L का होता है कितना, L का होता है 12 और B का होता है 2। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे -2 की सीरीज चल रही है, -2। अगर आप अंक इनके नंबर जानते हैं तो आप तुरंत जान जाओगे -2। अब देखिए A का होता है 1 और Y का होता है 25, तो आप इसमें भी देखिए -2 हो रहा है भाई। -1 में -2 करोगे तो कितना आएगा, 25, क्योंकि अभी सी डी का सर्कल वापिस चलता रहता है। उसी तरह देखिए R का होता है 18 और P का होता है कितना, 16, तो यहाँ से भी कितना आएगा, आप बोले सर यहाँ से भी आ जाएगा -2। G का होता है 7 और E का होता है 5, तो -2। तो हमको सीरीज आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं, हमको पता चल गया -2 -2। तब हमको पता है डी का कितना होता है, डी का होता है 4, आई का कितना होता है, आई का होता है 9, ए का होता है 1, जी का कितना होता है 7, आर का नंबर होता है 18, ए का होता है 1 और एम का होता है 13। कुछ नहीं, आप लगा दो -2, तो 4 में -2 करोगे तो 2 किसका होता है, बोलोगे सर बी का होता है। 9 में -2 करोगे तो कितना होगा, 9 में -2 करोगे 7, 7 किसका होता है, बोलोगे सर जी का होता है, देखिए दो ऑप्शन तो डायरेक्टली कट गए, सी और डी तो डायरेक्टली कट गया, अब ए और बी में से होने वाला है। अब देखिए ए में कितना है, ए का होता है 1, -2 करोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, वाई आ जाएगा। जी में कितना है, जी में आप बोलोगे जी का 7, 7 में -2 करिए 5, 5 किसका होता है, ई का। तो ये BGYE, चेक करिए BGYE पहला, यहीं से आंसर आ गया आपका, ऑप्शन नंबर ए होने वाला है, पूरा चेक करने की आवश्यकता नहीं है, यहीं से 4 अंक मिला लीजिए, क्योंकि दो ऑप्शन आपके पहले कट हो गए थे। अब देखिए BGY 3 तो सेम थे, चौथा ई और बी में पी आ गया, इसलिए वो गलत हो गया है। तो ये आंसर ऑप्शन नंबर ए होने वाला है 18 का। अब चलिए प्रश्न नंबर 19 पे, प्रश्न नंबर 19 को देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में LUTE को MUTE लिखा जाता है तथा FATE को GATE लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में BLUE को कैसे लिखा जाएगा। बहुत ईजी प्रश्न है दोस्तों, बहुत ईजी प्रश्न है, जल्दी से बताइए। प्रश्न नंबर 19 है, जल्दी से बताइए क्या आंसर होने वाला है। प्रश्न नंबर 19 है, तो देखिए LU है दोस्तों, ये LUTE को क्या लिखा जा रहा है, MUTE लिखा जा रहा है। आगे देखिए FATE को क्या लिखा जा रहा है, आप बोलोगे सर इसको लिखा रहा है GATE लिखा जा रहा है। तो आगे देखिए किसको पूछा है, तो BLUE। तो लास्ट में देखिए इनके सबके तो 3 अंक सेम है, देखिए इधर का 3 अंक सेम है तो यहाँ का भी 3 अंक सेम है, इसका 3 अंक सेम है तो इसका भी 3 अंक सेम है, मतलब इसके भी 3 अंक सेम होने वाले हैं, मतलब LUE तो लास्ट में होगा, बस स्टार्टिंग का चेक कर लीजिए। तो यहाँ से देखिए L का होता है 12 और M का होता है कितना, 13, मतलब +1 की कंडीशन है, +1। F का देखिए, F का होता है 6, तो G का कितना होता है, तो आप बोलोगे सर G का होता है 7, मतलब +1। इसी तरह B का होता है कितना, आप बोलोगे सर B का होता है 2, +1 कर दीजिए, मतलब यहाँ पे आ जाएगा C। तो CLUE किस में है, CLUE ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, जिसका जिसका आया हो कंग्रेचुलेशन। अब देखिए आज का लास्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 20 आज का अंतिम प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में GERMINATION को
IMGRENOAIT लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में STABLISHED को कैसे लिखा जाएगा। दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करना है, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग में इस तरह के प्रश्न में बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करवा चुका हूँ। क्योंकि दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए आपको इसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में, लाइव चैट में नहीं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करना है प्रश्न नंबर 20 डाल के। अगर आपको वाकई समझ में आ रहा है तो जल्दी से आप इसको कमेंट करिएगा, लगा करके जरूर बनेगा अगर आपने हमारी क्लास ईमानदारी के साथ देखी है। दोस्तों देखिए, हमारा ये सीरीज लाने का तात्पर्य आपको नीचे दिखाना नहीं है या कि आपसे बनता ये साबित करना नहीं है, आप खुद को पहचानो। क्योंकि ये कोई क्लास नहीं है, आप अपने घर में बैठे हुए हो, आप अपने घर में बैठे हो तो देखिए आदमी स्वयं से ज़्यादा किसी को नहीं जानता है। तो आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करते तो आपको पता है आपकी कमी कहाँ। अभी आप जैसे कोई चैप्टर है, अब आपको दिमाग में ये बैठा कि मेरे से बन रहा है, उस टाइम पर बन रहा है। अगर आपके सामने कोई प्रश्न अचानक आ गया, आपने सॉल्व किया, आपसे कुछ गलती हुई, तो भाई कहते हैं ना, इंसान जिस चीज़ में अगर एक बार गलती कर देता है वो चीज़ ज़िंदगी भर याद रहता है और कभी भी गलती नहीं होती है। इसीलिए जितने भी दोस्तों जॉब निकाले हुए या जॉब प्राप्त किए होते हैं, एग्ज़ाम क्रैक किए होते हैं, वह सभी आपको सलाह देते हैं कि आप MCQ लगाइए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, जितना हो सके लगाइए। क्योंकि आप जो भी गलती करनी होती है आप वहीं करिए, अपने घर पर करिए। क्योंकि आप देखते हो कि जब पेपर जाते हो पेपर देने, तो आप वहाँ पे छोटी छोटी गलतियाँ करके 4-5 क्वेश्चन ऐसे करके आ जाते हो। मेरे साथ भी होता है, सबके साथ होता है। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होती है, तो वहीं 3-4 नंबर से आपका सिलेक्शन रुक जाता है। इसलिए आपको जो गलती करनी है यहीं पर करिए, ताकि आप अपनी गलती को मार्क कर सको और पहचान कर सको कि हम यहाँ पर गलती कर रहे हैं, और उस गलती को अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लीजिए। जो ताकत है वो तो ताकत है, जिस व्यक्ति ने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना ली ना, यकीन मानिए दोस्तों वह सफल अवश्य होने वाला है। तो चलिए हम मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। इसी तरह हम आप अपने देश के प्रति और अपने समाज के प्रति, सबके प्रति इसी तरह अपना प्यार बनाए रहिए, और साथ में हमारे A3 एकेडमी के साथ भी इसी तरह से जुड़े रहिए। आपने हमें सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपने माता पिता का नाम रोशन करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।